हेलो दोस्तों दोस्तों, ये मेरे पास में बजाज की अवेंजर BS6 बाइक है, और इसमें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को इसलिए पूरा देख लेना, मैकेनिकों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। कस्टमर को कुछ सामान चेंज कराने के लिए बोला है, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, मना कर रहा है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करूँगा। फ़िलहाल बैटरी इसके अंदर 1258 हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि बैटरी इसके अंदर 1258 है इस समय। गाड़ी में ज़्यादातर समस्या क्या आती है, इसमें चाबी को इसकी ऑन करो आप, उसके बाद इसमें सेल्फ लगाओ, फुल बैटरी चार्ज रहेगी, लेकिन बार बार खिंच खिंच करके सेल्फ नहीं लेती है, यानी स्टार्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लोड से मानती है। जैसे बहुत ज़्यादा सेल्फ पे या इंजन पे लोड पड़ रहा हो, उस तरीके से खिंच खिंच करती है और गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती है। यानी कि कम से कम 10 बार सेल्फ मारने पर एक बार स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब स्टार्ट हो गई है, ऐसे सेल्फ मारने पर कई बारी तब जाके एक आध बार स्टार्ट होती है। अब हम इसका एक बार स्टार्ट में बैटरी का चार्जिंग चेक करते हैं। तो ये स्टार्ट है हमारी गाड़ी इस समय, और बैटरी का चार्जिंग कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है, जबकि आइडल में 13+ होना चाहिए। बजाज का, TVS का मैंने आपको बताया है बहुत वीडियो के अंदर, बजाज का आइडल में 13+ होना चाहिए, लेकिन ये 13+ नहीं पहुंच रहा है। तो हमने इसका खोला है मैग्नेट कवर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसकी कोयल प्लेट में प्रॉब्लम है, वीडियो को पूरा देखना, पता लग जाएगा आपको गाड़ी ठीक होती है कि नहीं होती है। तो कोयल प्लेट में प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया है, कपड़ा आपने देखा कितनी ज़्यादा कपड़े के अंदर डस्ट है, ये सब मैग्नेट से निकाली है हमने, मैग्नेट में रेग मार लगाया है। और जो सेल्फ लेते हुए खिंच खिंच कर रही थी ये, वह सेल्फ का आप आर्मेचर देख लीजिएगा, जहाँ पर कार्बन लगे रहते हैं हमारे, वहाँ से कितना काला हो रहा है। तो कोई भी गाड़ी आए आपके पास में, BS6 हो या 4 हो, और सेल्फ लेते समय खिंच खिंच करे, तो उसके सेल्फ की सफाई आपको ज़रूर करनी है। ज़रूरी नहीं होता है उसमें कार्बन ही डाले, इसकी मैंने केवल पेट्रोल से सफाई की है, आर्मेचर पर रेग मार लगाया है, और अब मुझे लगता है कि हमारा सेल्फ और बैटरी का चार्जिंग बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि मैग्नेट के अंदर काफ़ी डस्ट था। मैंने पूरी गाड़ी को कंप्लीट कर दिया है, बांध दिया है गाड़ी को। अब हम देखते हैं कि इसकी बैटरी का चार्जिंग कितना आ रहा है। तो दोस्तों, अभी बैटरी जो है इसकी, थोड़ी सी गाड़ी मैंने स्टार्ट की थी, 13+ इसका बैटरी आ रही है इस समय। तो एक बारी हम दोबारा से बैटरी का चार्जिंग देखते हैं कि बैटरी का चार्जिंग हमारा कितना देगी, जबकि ये 13+ अभी बैटरी आ रही थी हमारी, क्योंकि गाड़ी को थोड़ी देर मैंने स्टार्ट किया था, और बार बार अब सेल्फ भी ले रही है, पहले बार बार सेल्फ ले ही नहीं रही थी इस तरीके से, पहले बहुत ज़्यादा खिंच खिंच कर रही थी, लेकिन एक बारी हमने बैटरी का चार्जिंग भी देखना है, और सेल्फ की कंडीशन भी आपने देख ही ली है कि सेल्फ अब हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक लेने लगी है पहले की अपेक्षा। तो एक प्रॉब्लम तो इसकी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी प्रॉब्लम हम इसके अंदर देखते हैं अब कि बैटरी का चार्जिंग ही है। हमारी 13 बैटरी थी, यानी कि चलो सेल्फ लगाने में थोड़ी बहुत कम हो गई होगी, लेकिन इतना भी यार, इतना भी कम चार्जिंग स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए जितना चार्जिंग ये दे रही है। तो इसका मतलब इसकी मैग्नेट कॉइल चेंज करनी ही पड़ेगी। थैंक यू।